जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेश की आस्था की बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका जी में सैकड़ों श्रद्धालु ने हाजिरी भरते हुए आस्था की डुबकी लगाई। जन्माष्टमी के मौके पर यहां स्नान का बेहद महत्व है। लोग दूर दराज से अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचकर माता के श्री चरणों में शीश नवाने के बाद रेणुका झील में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहां रेणुका झील में झंडियों के स्नान की भी रस्म अदा की जाती है। रेणुका जी में गुग्गा नवमी से पूर्व गुग्गा महाराज के भक्त छड़ियों के साथ झील रेणुका जी में पहुंचे हैं। छड़ियों के साथ झील में स्नान किया गया। इस दौरान श्रद्धालु ने बताया कि जन्माष्टमी अवसर पर सदियों से परंपरा को निभाते हुए छड़ियों का स्नान करवाया जाता है, जिसके बाद नवमी को रात्रि जागरण आयोजित होता है। आज जन्माष्टमी का भी दिन है, जिसकी विशेष महत्वता है। लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और रेणुका जी झील में स्नान कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। ये जो है ना, जैसे जन्माष्टमी है ना जी, कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो हम जो है ना हर साल आते हैं, हर साल वहाँ से क्या ना कांडो से। अच्छा। कांडो से हम वैसे हमारी तहसील यही पड़ती है रेणुका जी। ये तो मानो हमारे बुजुर्ग लाते थे पहले, जैसे उनकी चली आई प्रथा पर हिसाब से हम भी हमें भी आना ही है जी। मैं मतलब जैसे स्नान करते हैं यहाँ पे, सारे गांव के लोग आते हैं, हर घर से आते हैं, तो स्नान के लिए हम वो लाते हैं यहाँ। क्या बातों है, जैसे इनको लाते हैं घर से ना, इनका स्नान करने के लिए यहाँ पे जाते हैं और स्नान करके अभी वहाँ चले जाएंगे तो मतलब दुआर सुबह रात को सारे गाँव वाले रात जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल।